सोशल मीडिया के सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप अभी प्रेस मीट करने का एक मकसद है, दावणे दक्षिण में जो बाशनगर में एक प्रसूति केंद्र करके जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल लगभग 2-3 साल से टोटल वर्क नहीं कर रही। हॉस्पिटल ढोको भी नहीं रहने के माफिक है। वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर जो अर्बन MBBS डॉक्टर हैं मंजुला मैडम करके, वो अभी महीने में 3-4-5 ऐसा डिलीवरीज कर रहे हैं। इसके पहले लगभग गीता मैडम करके थे डॉक्टर, उन्होंने लगभग महीने में 50-60 डिलीवरीज करते थे। ये डिलीवरीज के वजह से क्या है, हमारे लोग अवाम, वहाँ की लोकल जो अवाम है, प्राइवेट हॉस्पिटल को जाना पड़ रहा है। वो हॉस्पिटल को जाने की वजह से उनको बहुत सारा खर्चा, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि तो नज़दीक नहीं है हॉस्पिटल, बहुत दूर हैं। उस वजह से उनको एक्सपेंसेस बहुत आ रहे हैं। उस वजह से हमें आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हमें आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को आज एक मनवी दिए हैं कि वहाँ पर कायम गायनेकोलॉजिस्ट को अपॉइंट करें, और उसके बाद एक स्कैनिंग मशीन को भी हमने डिमांड किया है। हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से स्कैनिंग मशीन भी एक डिमांड करे हैं हमें। क्यों बोले तो वहाँ पर स्कैनिंग मशीन नहीं है लोकल में, अब जाना बोले तो लगभग प्राइवेट को ही जाना पड़ रहा है। और मार्केट में हॉस्पिटल में जो स्कैनिंग मशीन है वो बहुत बिजी रहती है, वहाँ पर बहुत पेशेंट्स रहते हैं और कभी भी मशीन ख़राब रहती है। प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो एक टाइम स्कैनिंग हुए तो 1,500 रुपये खर्चा आता। वही बाशीनगर जो हॉस्पिटल में स्कैनिंग मशीन के भी हमें DHO को डिमांड किया है, उन्होंने है ना स्कैनिंग मशीन लगाने के लिए नहीं आता करके हमारे को बोले हैं। हमें क्या बोले हैं उनसे कि तुम्हें किसी भी हाल में एक ऑफर डाल के या फिर स्टेट को एक प्रपोजल रख के वहाँ पर स्कैनिंग मशीन लगाओ करके बोल के, और हमें उनसे डिमांड किए हैं। अगरचे ये जो मामला थे इन्होंने स्कैनिंग मशीन का हो, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर का हो, अपॉइंट करने में इन्होंने नाकाम रहे, तो और उनको हम ये भी ये देखो ही हमें 8 या 15 दिन के अंदर तुम्हें पूरे काम नहीं किए तो इंशाल्लाह हमें वहाँ पर एक प्रोटेस्ट डाल के रोड ब्लॉक करके डिमांड्स को हमारा एक एहतजाज दर्ज कराने वाले हैं करके बोल के ये कहें। अगरचे ये प्रोटेस्ट में भी कामयाब नहीं हुए तो ये मसला हाईकोर्ट तक भी हमें जाना करके एक डिमांड इसमें मेंशन किए हैं, कानूनात्मक कार्रवाई करके कानूनात्मक लीगल एक्शन लेती है और बोल के भी हमें डिमांड किए हैं। इस वजह से हमें आज और दावणे के दक्षिण के जो MLA साहब हैं, जो शामनूर शिवशंकरप्पा साहब, उनको भी ये ताल्लुक से क्या है हमारे लोकल कारपोरेटर सुनाना है। वहाँ पर जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को भी और स्कैनिंग मशीन को अपॉइंट कराने के ताल्लुक से उन्होंने डिमांड करना है, क्योंकि 30 साल से एक ही MLA को हमें जिता रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है मेडिकल फैसिलिटीज हो और यहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटी हो, दो ताल्लुक से भी टोटल फेलूर चल रहा है, टोटल फेलूर। क्लीनिंग का हो, हॉस्पिटल का हो, जो लोकल जो डॉक्स का हो, ये टोटल मसले में टोटल क्या है फेलूर है। हमें इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को हमें डिमांड करते हैं कि वहाँ पर कायम गायनेकोलॉजिस्ट और स्कैनिंग मशीन को अप्लाई करके वहाँ के लोगों को सहूलत होने के स्तर का काम मुहैया करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारी मांग है कि हमारे हॉस्पिटलों में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, यहाँ के MLA साहब और कारपेंटर साहब इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए सरकार को कोई बड़ा काम नहीं है, सरकार के लिए मनाने के लिए कोई बड़ा खर्चा भी नहीं है। मगर दावणे एरिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, लगातार हमारे तरफ एक ही MLA को हम जिता रहे हैं मगर काम उस तरह से नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारे पार्टी के तरफ से ये हमारी मांग है, हमारी ये दरख्वास्त भी है, जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए, MLA के तरफ से हो या कारपेंटर के तरफ से हो, ये हमारी मांग है हमारे पार्टी के तरफ से। बस मैं ये कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार जी, नानो फरीद खान, नगर समिति उपाध्यक्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तमल्ली तिळिसि एनु तिळिसबेकंतेळिद्रे, ईग दावणगेरे दक्षिण भागवद हळेय नगरद भाषानगर मेन रस्तेयल्लिरुव प्रसूति केंद्र हागू प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आ ओंदु हळेय कट्टडवन्नु होस कट्टड ईग स्मार्ट सिटी योजने अडियल्लि संपूर्णगोंडिदे, संपूर्णगोंडु 6 तिंगळादरू अदन्नु स्थळांतर माडिल्ल। ಯಾಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ SDP ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು
ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು 24 ತಾಸು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದೇ ಬಡ ಜನರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರು. ಈಗ ಅಂಥವರು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ದಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾದ ಶಾನು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. SDP ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.